नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईश आळंदी वल्लभं माधुर्य रस कल्लोलां शिव शक्तेक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनी। प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिवस इस समस्त सृष्टि में आपके भीतर विद्यमान उस गुरु तत्व को प्रणाम। और मन में विचार आया कि आज आरंभ एक छोटी सी कहानी से करते हैं। माता और पिता के साथ, माँ बाप के साथ एक बेटा मेला घूमने जाता है और पिता की गोदी में, पिता के कंधे पे बेटा मेला घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, देख रहा है, मेले को सहभागी हो रहा है। और पिता ने सोचा कि कितनी देर हो गया इसको गोदी में, इसको कंधे पे लेके, अब थोड़ी देर के लिए नीचे छोड़ देते हैं। ये सोचकर पिता बेटे को नीचे छोड़ देते हैं। नीचे छोड़े तो वो रोने लगे और कंधे पे ले ले तो हंसता, मेला देखता। स्वाभाविक पिता ने सोचा कि शायद इसको चलना अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, इस वजह से ये चाहता है कि ये कंधे पे ही रहे। पर कितने देर हम ऐसे लेके घूमे इसे, फिर से एक बार नीचे छोड़ के देखा तो वो रोने लगता और फिर कंधे पे लिया तो हंसता। थोड़ा सा चिड़चिड़, थोड़े से गुस्से में आके पिता ने कहा कि ऐसे क्यों कर रहे हो। माँ ने कहा, नहीं, अगर आपको इसे समझना हो तो आपको उसके जितना होना पड़ेगा। तो कैसे, पिता ने कहा। तो कहने लगे, ठीक है, आपको इसकी समस्या को समझना है तो माँ उतनी जिसकी हाइट है उतना ही हो जाती है, वो भी अपने घुटने के बल आती है और देखती है कि नीचे छोड़ने के बाद ये क्यों रोने लगा। तो पता चला कि अरे, ये दृश्य भयावह था, क्योंकि उसके हाइट के अनुसार जब उसे नीचे छोड़ा जाता तो उसे किसी के मुंह, नाक, कान दिखाई नहीं देते, उसको तो केवल पैर 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 ही दिखाई देते, एक स्तंभ के समान, मानो कोटि स्तंभ उसके आसपास हो। और जब नीचे छोड़ा जाए तो ऐसा दृश्य देखकर थोड़ी देर के लिए तो माँ भी भयभीत हो गई। उसकी हाइट का, उसके जितना होकर माँ ने उसकी समस्या को समझा तो जाना कि ये दृश्य तो इसके लिए भयावह ही हो सकता है। कहने का तात्पर्य, अभी इस समय में कलयुग, जहाँ भागवत जी कहती है उदरम भरणो जीवावरा का कूट भाषा, कलयुग में अधिकतर हमने देखा है कि शिक्षा गुरु से भी अधिक दीक्षा गुरु का महत्व इस समय में है। पहले के समय में आप अगर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण जी के समय को देखते तो शिक्षा गुरु की प्रधानता थी, क्योंकि उस समय आयु मर्यादा भी नहीं थी। तप के द्वारा, अपने तपश्चर्या के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, विद्या के द्वारा उस तत्व तक पहुंच सकते थे। पर इस समय में अगर देखा जाए तो किसी भी पदार्थ को समझने के लिए, किसी भी पदार्थ को दो प्रकार से समझा जा सकता है, एक भौतिक और एक है तत्व दृष्टि के द्वारा। किसी भी पदार्थ में ये दोनों आवश्यक है ही। आप ऐसे कह सकते हैं, विज्ञान और ज्ञान। विज्ञान क्या कहता है कि ये क्यों है, कैसे है, कैसे ये आप तक पहुंचा है। किसी भी बात को ले लीजिए आप एक बल्ब का उदाहरण ले लीजिए, या फिर पदार्थ अगर कहेंगे तो आप किसी व्यंजन का, एक रसगुल्ले का उदाहरण ले लीजिए। रसगुल्ला कहाँ मिलता है, ठीक है, यहाँ मिलता है। ओके, कैसे बनता है, ठीक है, दूध को, छेने को, अच्छा, किस प्रकार के मात्रा में, किस प्रकार से उसे, उस व्यंजन को बनाने के लिए कितनी टेम्परेचर पर तपाया जाता है, अच्छा, उसमें क्या डाला जाता है कि जिसके वजह से वो स्पंजी बने, ये सारा नॉलेज आप विज्ञान के तौर पे देख सकते हैं। उसका ज्ञान, उसके भीतर रसगुल्ला रसगुल्ला क्यों है, क्योंकि उसमें मिठास है और वो मिठास
उसकी अनुभूति, उसका ज्ञान, वो माधुर्य है, उसमें प्राण माधुर्य है। आप किसी भी बात को, किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, उसमें एक प्राण तत्व होता है, उसके उस पदार्थ के होने का प्राण तत्व। आपके घर में बल्ब है, उसका भौतिक ज्ञान आप तक पहुंच जाएगा कि ये कैसे बना है, कांच कैसे बना है, किस वालुका से बना है, कितने टेम्परेचर पर उस वालुका को घिसा गया है, ये सारा नॉलेज आपको विज्ञान दे सकता है। पर उसके भीतर जो तत्व प्राण है, उसकी अनुभूति कैसे संभव है? तो ये तो निश्चित है कि गुरु अवतार लेते हैं, यानी हमारी इतना होकर वो देखते हैं कि हाँ, ये सृष्टि तो अब इसके लिए भयावह है, कलयुग में आयु मर्यादा है। अच्छा, इस समय में पता नहीं कितनी उम्र रहेगी, पिछले जन्म के पाप पुण्य को भी भोगना है, उन कर्मों को भी काटना है। इस जन्म में वर्तमान हो रहे वर्तमान संचित कर्म से भी हमें छुटकारा पाना है। इतने कम समय में उस तत्व को कैसे जान सके? हाँ, वो समय था जब लोग तप करते थे, पर उस समय तो हड्डियों अस्थियों में भी प्राण था, अब केवल अन्न में प्राण है। तो इस समय क्या हो सकता है? तो इस समय दीक्षा गुरु की आवश्यकता है, जो केवल और केवल, मैं अक्सर कहती हूँ, तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई छीन नहीं सकता, पर गुरु की रहमत अगर हो जाए तो वो भी मिल जाता है जो तेरा कभी हो नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यही है कि इस समय में वो आवश्यक है। आप कहाँ इतने सारे कर्मों की छुटकारा पाने के लिए पता नहीं क्या क्या पुरुषार्थ, क्या क्या उद्यम करते रहेंगे हम, और पता नहीं ये यात्रा हमारी कहाँ तक पहुँच पाएगी। गुरु बिना सोय सापड़े, बिना गुरु के ये संभव ही नहीं है। धरावे ते पाय आधी आधी, उनकी चरण शरण यही मुख्य है। और बस जब तीव्रता है कुछ पाने की, जब तीव्रता है वो बोध पाने की, आत्मबोध पाने की, तब वो स्वयं चले आते हैं, वो आप तक आते हैं, बस तीव्रता हो। जब तीव्रता हो तब, जैसे तुकाराम महाराज जी के स्वप्न में देवतोची गुरु, भगवान स्वयं गुरु रूप में आकर, भगवान ईश्वर स्वयं गुरु रूप में आकर, कभी ईश्वर स्वयं गुरु रूप में आते हैं, कभी संत, कभी उनके पार्षद गुरु रूप में आते हैं, क्या विशेष दीक्षा देते हैं? बस कहते हैं बेटी हरि गुण गाना, किसी को कहते बेटी हरि गुण गाना, किसी को स्वप्न में ही उपदेश दे देते हैं। एक क्षण क्षण मात्र उनके पास बैठना भी जीवन का सबसे सुंदर मोड़, जीवन का सबसे सुंदर परिवर्तन का क्षण हो जाता है। ये आप सब ने भी अनुभव किया आज के इस अन्यथा तो वर्ष, प्रतिपूर्ण वर्ष गुरु हमारा आचरण धोते हैं, आज उनके चरण शरण चरण सेवा करने का अवसर अगर मिलता है तो हम सच में भाग्यवान हैं। तो ऐसे ही निरंतर हम सब से गुरु सेवा होती रहे। तीन प्रकार के जो हम पे दायित्व है, एक समाज का ऋण, मातृपितृ ऋण, और तीसरा गुरु के ज्ञान को सब तक पहुंचाने का ये जो ऋण है, ये सब आपके द्वारा उऋण तो होना संभव नहीं है, पर हाँ, जितना अधिक से अधिक हम उनके इंस्ट्रूमेंट बन सके, बस बनते हैं और प्रसार करते हैं, प्रचार नहीं कहेंगे, प्रसार करते हैं। जैसे एक फूल प्रचार नहीं करता कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं मुझ में कितना गंध है, बस उसकी गंध पहुँचती है तो एक कोई समर्थ पंडित पुजारी उसको वहाँ से उठाकर ईश्वर तक ले जाते हैं। ठीक बिल्कुल ऐसे ही, बस हम अपने ज्ञान, अपने भाव, अपनी वो तीव्रता को बनाए रखें, और वो सुगंध जब किसी अधिकारी बुद्ध पुरुष तक पहुँचेगा तो वो बुद्ध पुरुष वहाँ से उठा के हमें उनके चरणारविंद तक, युगलवर के चरणारविंद तक अवश्य ही पहुँचाएंगे। यही भाव रखते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं।
धन्यवाद।